बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। वी आर डूइंग यूनिट नंबर 5 ऑफ साइंस एनवायरमेंट्स एंड फूड चेन्स। वी आर डूइंग एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 5 एंड यस्टरडे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज एंड टुडे वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विद एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। ए कोल्ड ब्लडेड एनिमल, बी वॉर्म ब्लडेड एनिमल। एंड द आंसर इज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, दे टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। दे आर हॉट व्हेन देयर एनवायरमेंट इज हॉट एंड कोल्ड व्हेन देयर एनवायरमेंट इज कोल्ड। स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। व्हाट आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट। मीन्स दे टेक द टेम्परेचर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। They change their body temperature when the environment temperature change. They are hot when their environment is hot and cold when their environment is cold. In hot environment, cold-blooded animals can have blood that is much warmer than warm-blooded animals. Means cold-blooded animals वो होते हैं जो कि अपनी body temperatures को change करते रहते हैं according to the environment. जैसे उनके environment होगी अगर hot है तो वो अपनी body के temperature को hot कर देते हैं। इनके एग्जाम्पल स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स। दीज आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। नेक्स्ट, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, दे मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। दिस मीन्स दैट दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ देयर एनवायरमेंट। ह्यूमन्स, मैमल्स एंड बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज एनिमल्स दैट प्रोड्यूस देयर हीट बाई देयर ओन एंड रेगुलेट देयर कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर इन एनी एनवायरमेंट। Means warm-blooded animals are those animal species which can maintain a body temperature higher than their environment. They maintain a stable body temperature by regulating their metabolic process. Animals such as birds, mammals, these are all the warm-blooded animals because they maintain a constant body temperature regardless of the temperature of the surrounding. Humans are also warm-blooded animals. Next question, question number 4 is, what do herbivores eat? Where do they find their food? Means herbivores animals क्या खाते हैं और ये अपनी food कहाँ से लेते हैं? And the answer is herbivores eat plants. These animals eat grass or plants that are around them. Means herbivores are those animals that eat plants and these animals eat grass or plants that are around them. Means herbivores animals plants को eat करते हैं और ये वो ग्रास और प्लांट्स को खाते हैं जो कि इनके अराउंड प्रेजेंट होते हैं।